हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक कोई भी अपडेट आया नहीं है डेट के बारे में, तो जैसे ही डेट का अपडेट आएगा मैं तो आपको बता ही दूंगा। लेकिन तब तक अभी वैसे भी आपकी पढ़ाई हो नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो महाराष्ट्र में है उसकी लिस्ट आपको दे दूँ, तो उससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि किसको आपको टारगेट करना है और कितनी मेहनत आपको और करनी है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ऑन वॉट बेसिस, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि क्या बेसिस पर ये कॉलेजेस का मैंने रैंकिंग दिया है। तो एकेडमिक्स तो है ही, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर भी, जो आपका ग्रोथ है वो भी होना चाहिए, वो भी बहुत मस्ट है कॉलेज में। वो कौन से लेवल पे हो रहा है, और एनरोलमेंट प्रोसेस मतलब वही MSTCET से है या फिर JEE से है या फिर उनके कोई इंस्टीट्यूशन के खुद के एग्ज़ाम्स हैं, उसके बेसिस पर ये मैंने कॉलेज सॉर्ट आउट किए हैं। तो ये रैंकिंग की लिस्ट है। अगर आपको सिर्फ रैंकिंग देखनी है, सिर्फ लिस्ट देखनी है कॉलेज की, तो ये लिस्ट दी हुई है मैंने। इसके डेप्थ में हम जाएंगे अभी आगे वीडियो में, लेकिन ये तो लिस्ट है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली COEP आएगा, फिर उसके बाद VGTI, ICT मुंबई, फिर वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इन सांगली, फिर सरदार पटेल कॉलेज, फिर VIT पुणे, PICT पुणे, KJ सुमैया, PCCOE और MIT। तो ये सारे कॉलेजेस हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मुंबई एंड पुणे। तो जो भी मुंबई पुणे के लोग हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि आपको आपके सराउंडिंग में ये सारे कॉलेजेस हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्यों रैंकिंग दी है ये सारी। सबसे पहले तो COEP, तो ऑब्वियसली COEP बेस्ट कॉलेज है। CET के थ्रू आपको कोई भी कॉलेज अगर मिल रहा है तो उसका NIRF रैंकिंग 49 है, हाईएस्ट पैकेज 36 है, एवरेज पैकेज 7.5 लाख है, और ट्यूशन फी भी बहुत अफोर्डेबल है। 90,000 वो ट्यूशन फी है और हॉस्टल फी 26 है। अगर आप कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से कम भी हो जाती है। उसके बाद VGTI मुंबई, उसका भी NIRF रैंकिंग 71 है, हाईएस्ट पैकेज 30 लाख है, एवरेज पैकेज 8.5 लाख है, तो काफ़ी अच्छा है ये तो पैकेज के जो स्टैट्स है वो। उसके बाद फिर ट्यूशन फीस 85,000, हॉस्टल फीस 21,000। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, डिसेंट कॉलेज है। आपको थोड़ा सा कैंपस एरिया में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लेकिन तभी भी बहुत अच्छा कॉलेज है। उसके बाद वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सांगली, उसकी NIRF रैंकिंग 168 है, हाईएस्ट पैकेज 33.6 लाख है, और जो एवरेज पैकेज है वो 6.7 है। अभी ट्यूशन फीस भी 85,000 और हॉस्टल फीस भी 15। तो ये कॉलेज अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, सब एकेडमिक सब अच्छे, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा विलेज एरिया में आता है, तो जो आपको एक सिटी का टच चाहिए होता है बहुत सारे लोगों को, तो वो मिलेगा नहीं आपको, सिर्फ यही इसका ड्रॉबैक। फिर ICT मुंबई, जिसे भी केमिकल करना है वो ड्रीम कॉलेज है उसके लिए। तो ये इसका NIRF रैंकिंग 34 है, मतलब कि NIRF रैंकिंग इसका COEP से भी अच्छा है। इसका रीज़न ये है कि ये पूरे मतलब इंडिया में भी जो JEE कंडक्ट की जाती है वो JEE भी लोग इसे टारगेट करते हैं, JEE दे के भी लोग इसे टारगेट करते हैं। तो बहुत अच्छा कॉलेज है ये, इसका हाईएस्ट पैकेज 14 लाख है और एवरेज 4.5 लाख है। अभी इसके पैकेजेस पर मत जाइए, क्योंकि केमिकल के बहुत सारे लोग मोस्टली जो हायर स्टडीज़ है उसके लिए ऑप्ट करते हैं, तो उस हिसाब से तो पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। उसके बाद ट्यूशन फीस 85,000 और हॉस्टल फीस 30,000, काफ़ी अफोर्डेबल भी कॉलेज है। फिर SPCE जो सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, उसका NIRF रैंकिंग 200 से लेके 250 तक के बीच में। तो आपको पता ही होगा कि 200 के आगे NIRF रैंकिंग देता नहीं है, तो रेंज में ही आ जाता है जो भी रैंकिंग है उसका। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज 21 लाख से और एवरेज 4.5 है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये सिर्फ कोर ब्रांचेस के लिए, और कोर ब्रांचेस में अगर आपको 21 लाख का पैकेज मिल रहा है तो बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ है ये। नॉर्मली ये कॉलेज में, कोई भी कॉलेज में ये मिलता नहीं है, तो काफ़ी अच्छा है ये तो आप इसका पॉइंट। फिर ट्यूशन फीस 84,000 है और हॉस्टल फीस 26,000 है। उसके बाद VIT पुणे, तो VIT पुणे की NIRF रैंकिंग 165 है, हाईएस्ट पैकेज 27 लाख, एवरेज पैकेज 5.33 लाख। तो ट्यूशन फी तो ज़्यादा है ही, 1,84,000 है, और हॉस्टल फीस भी 70,000 है। तो कॉलेज काफ़ी अच्छा है, लेकिन कैंपस बहुत छोटा है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हो गया। और सारी फैकल्टी मेम्बर्स की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी फैकल्टी मेम्बर्स हैं, और ये ऑटोनॉमस कॉलेज है तो कोई बात नहीं है ऐसी वर्कलोड मैनेजमेंट की, काफ़ी अच्छे से मैनेज हो जाता है सब। फिर PICT पुणे,
तो PICT को मैंने VIT के बाद इसलिए डाला है क्योंकि सबसे पहले तो स्टैट्स देख लेते हैं। तो NRF रैंकिंग 200 से 250 के बीच में। इसका रीज़न ये है कि ये सिर्फ CSIT और जो इलेक्ट्रॉनिक्स रहते हैं उसके कोर्सेज प्रोवाइड करता है, तो इसके वजह से NRF रैंकिंग बहुत कम है। उसके बाद हाईएस्ट पैकेज 43 लाख का है और एवरेज पैकेज 7.5 लाख। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने अच्छे स्टैट्स है, इसे मैंने इसलिए नीचे रखा है क्योंकि मैंने जैसे बोला था कि एक्स्ट्रा करिकुलर भी हम कंसिडर कर रहे हैं, तो ये कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो उसकी वजह से जो अटेंडेंस है वो मैनेज हो नहीं पाती है। अगर आपको एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ ज़्यादा करना है तो वो आपसे मैनेज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्टीज तो आएगी आपको। इसलिए PICT को मैंने VIT से नीचे रखा है। प्लस इसके जो ये प्लस ये ऑटोनॉमस कॉलेज भी नहीं है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। तो ट्यूशन फ़ीस 1 लाख है और हॉस्टल फ़ीस 1,25,000 है। फिर KJ सुमैया जो मुंबई में कॉलेज है, उसका NRF रैंकिंग 171 है, हाइस्ट पैकेज 19 लाख है और एवरेज 5.5 लाख है। इसका ट्यूशन फ़ी ज़्यादा है, मतलब 2,86,000 काफ़ी ज़्यादा फ़ीस होती है, और हॉस्टल फ़ीस 1,13,000 है। अभी ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है, इसका एलुमनाई बेस भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो अगर आपको आप मुंबई में रहते हो तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन है आपके लिए। फिर PCCOE, तो PCCOE अभी मतलब जस्ट ये साल ऑटोनॉमस कॉलेज हो गया है, तो काफ़ी चेंजेस अभी आने वाले हैं शायद। इसका जो NIRF रैंकिंग है वो 200 से 250 के बीच में। फिर हाईएस्ट पैकेज 14 लाख है और एवरेज 3.5 लाख है। ट्यूशन फ़ीस 1,34,000 है और हॉस्टल फ़ीस 43,000 है। तो मैंने जैसे बोला कि ये अभी बना है, ये अभी ऑटोनॉमस कॉलेज बना है, तो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है इसमें। फिर MIT WPU, ये तो बहुत अच्छा कॉलेज है, मतलब कि अगर आपको कैंपस लाइफ एंजॉय करना है तो ये बेस्ट कॉलेज है। NIRF रैंकिंग 138 है। फिर हाइस्ट पैकेज 26 लाख है, एवरेज पैकेज 5 लाख, ट्यूशन फ़ीस 3 लाख, 10,000, हॉस्टल फ़ीस 90,000। अगर आपको ट्यूशन फ़ीस का कुछ प्रॉब्लम है नहीं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपको जो कॉलेज लाइफ चाहिए वो सब आपको मिल जाएगी यहाँ पर। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये भी। तो अभी तक कोई भी अपडेट आई नहीं है डेट्स की, जैसे ही अपडेट आएगी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो। और टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।